वेलकम टू देव एमटीआर। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की हाल ही में न्यूली रीलॉन्च, ये है जिक्सर 250 नेकेड वाला मैट ब्लैक कलर और E20 का टॉप मॉडल। इसमें फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, कितना वैल्यू फॉर मनी है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले भाई यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको एकदम थोड़े से ही फ्लेक्सिबल मिलते हैं जो कि हैलोजन में, और स्प्लिट LED वाली हेडलाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बीच में आपको मिलती है हाई बीम और ऊपर और नीचे वाले हिस्से में आपको लो बीम का सेटअप मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक नेकेड वाला मॉडल है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देकर इसमें आप जो F250 फेयरिंग वाली बाइक है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको 43mm के काफ़ी मोटे मोटे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं जिसको आगे से थोड़ा सा यहाँ से कवर किया गया है जिससे लीकेज वगैरह की इसमें दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं आए, सील वगैरह इसकी ना फटे। और आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी आपको काफ़ी चौड़ा मिलता है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी वो यहाँ पर आपको काफ़ी सॉलिड मिल जाती है। 300mm की यहाँ पर आपको फ्रंट में नॉर्मल डिस्क मिलती है। इसमें आपको वाइब्रेक के कैलिपर मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS इस बाइक में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर 110/70/R17 का मतलब कि रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है, और नॉर्मली जो बाइक है उनमें आपको नॉर्मल टायर मिलेगा, रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। यहाँ पर जो एलॉय व्हील है ये 17 इंच का यहाँ पर आपको डायमंड कट वाला मिल जाएगा। बाकी पीछे की साइड में चलता हूँ तो यहाँ पर लगभग 240mm की पीछे में डिस्क मिलती है। इसके पीछे भी आपको ABS मिल जाता है, यहाँ भी आपको 17 इंच का डायमंड कट वाला एलॉय मिलता है, जिस पर 150/60/R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर। तो भाई यहाँ पर टायर की जो चौड़ाई है वो आपको 150 सेक्शन की मिल जाती है। तो 150mm काफ़ी वाइड और चौड़ा टायर है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा चौड़ा सा टायर हगर मिल जाता है, और नंबर प्लेट के लिए भी आपको एक LED वाली लाइट मिलती है। पीछे का जो मडगार्ड है ये भी आपको काफ़ी चौड़ा मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इन वाले पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं जिससे बाइक का जो लुक है वो थोड़ा सा स्पोर्टी और लगेगा। पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल और सिंगल पीस LED वाली यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलती है जो कि सेम टू सेम F250 से यहाँ पर ली गई है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कर्व वेट है वो है 154 kg, और यहाँ पर SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम आपको मिलता है। ये वही वाला सिस्टम है जो कि मोस्टली आपको सुजुकी हयाबुसा में देखने को मिलता है। यहाँ पर जिक्सर लिखा हुआ है। 250 से ही पता चलता है कि यहाँ पर ये बाइक 250cc की बाइक है। हालांकि ये जो मॉडल है वो आपको 155cc का जो नेकेड वाला था उसमें भी मिलता है, लेकिन उनमें अंतर ये है कि उसमें 5 गियर मिलते हैं, यहाँ पर आपको 6 गियर मिल जाते हैं। इसमें 1200ml इंजन ऑयल डाला जाता है। किक वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी, सुजुकी की ब्रांडिंग आपको मिलती है। ये जो इंजन है भाई वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। यहाँ पर 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो इंजन है ये आपको ऑयल कूलर वाला मिलता है जिसमें यहाँ पर एक साइड में एक बड़ा सा रेडिएटर सिस्टम दिया गया है। इसमें 249cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कोल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल BS6 FI OD2 कंप्लायंट वाला नया रिफाइनमेंट इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 26.5 PS की अधिकतम पावर देता है 9300 RPM तक, और ये इंजन आपको 22.2 Nm का अधिकतम टॉर्क आपको जनरेट करके देता है 7300 RPM तक। देखो इसके कंपटीटर में जो NS200 आती है, N250 आती है, उसके इंजन से इसके इंजन में जो पावर है वो आपको लगभग 1.5 PS की ज़्यादा मिलती है। वहीं पर जो करिश्मा XMR 210 आती है उसके इंजन के बराबर ही इसमें आपको लगभग पावर और जो टॉर्क है वो भी आपको सिमिलर मिल जाता है। कि राइडर वाली जो फुट पैक्स हैं ये आपको स्प्रिंग के साथ फोल्डेबल मिलते हैं। ये है इसकी ब्रेक पैड का लीवर जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको देने वाला है। और इसमें आपको ट्विन बैरल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है। ये मेटल बॉडी है, ये फाइबर बॉडी है, लेकिन क्रोम की जो क्वालिटी वो यहाँ पर आपको एक नंबर की मिल जाएगी। पीछे वाले जो फुट पैक्स हैं ये भी आपको दांते वाले फोल्डेबल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है कि ये 250cc वाली बाइक है। इसमें आपको स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है, और राइडर वाली जो सीट है वो थोड़ी सी नीचे है, और पीछे में अगर आप किसी को बिठाते हैं तो वो थोड़ी सी हाइट पर बैठेगा। इसमें आपको 800mm की आपको सीट हाइट मिलती है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मूथ नहीं है, मीडियम लेवल का ही आपको इसमें कम्फर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको जो टैंक है वो 12 लीटर का मिलता है जो कि फाइबर बॉडी का राइड कनेक्ट एडिशन, जैसा कि टॉप एंड वाला मॉडल है कंपनी आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लगा कर देती है। हैंडल बार यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तो बाइक को चलाते समय आपको बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाबी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको नॉन वेव की सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ एकदम बेसिक सी की मिलती है। बाइक का जो इंजन है वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुनाए एक बार।
इंजन वाइज का बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है सच बात। इस बाइक में आपको मिलता है पूरा का पूरा डिजिटल वाला मीटर, ये वही वाला मीटर है जो आपको सुजुकी एक्सिस वर्गवैन इस तरह के जो स्कूटर हैं इनमें दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कंपनी को ना भाई 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले इसमें देना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर आती है वो ये डिजर्व करती है भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पर ABS की लाइट है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको मिलती है RPM की लिमिट लाइट, एरर इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको चेक इंजन, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको मिलती है भाई ब्लूटूथ आई कनेक्ट की वार्निंग लाइट, यहाँ पर हेडलाइट, यहाँ पर है भाई इसका RPM मीटर, घड़ी मिल जाती है, फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, वोल्टेज मीटर। बाकी अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन को इसके साथ में पेयर भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला भी फीचर्स मिल जाएगा। लास्ट पार्किंग लोकेशन आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है, रेंज भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अब देखा जाए तो भाई जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये आती है तो इसमें कंपनी को TFT कलर डिस्प्ले देनी चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला भी इसमें फीचर्स देना चाहिए, क्योंकि स्लीपर असिस्ट प्लस देना चाहिए, 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले देना चाहिए, और हो सके तो इसकी जो हेडलाइट है वो कंपनी को चेंज करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न, और क्लच का जो लीवर है वो आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है, पर जाली वाला साड़ी गार्ड है इस तरह का, जिससे अगर आप पीछे में किसी लेडी को भी उठाते हैं तो कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है। ओपन सनसेट कवर है, और यहाँ पर जो स्विंगार में ये भी आपको बॉक्सी शेप का मिलता है। यहाँ पर फोल्डेबल फुटपैक्स हैं। गियर की बात करते हैं तो इसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जबकि जो जिक्सर 155 आती है इसी तरह का नेकेड वाला मॉडल, उसमें आपको मात्र 5 गियर मिलते हैं। वो इंजन जो है वो एयर कूल्ड है, लेकिन यहाँ पर जो इंजन है वो आपको ऑयल कूलर वाला मिलता है दोस्तों। मैं आपको साइड स्टैंड इंजन गड़ोप सेंसर वाला भी फीचर्स मिल जाता है। इसमें कंपनी ने मेन स्टैंड नहीं दिया है, लेकिन हालांकि यहाँ पर 2 होल वगैरह दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो सुजुकी जिक्सर 250 की इस नेकेड ABS वाले मॉडल की जो एक्सोरूम कीमत है वो है 2,463,000 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,41,760 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी दोस्तों मैंने आपको बताई है अनिमेष सुजुकी VIP रोड कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप सुजुकी की कोई भी बाइक लेना चाहते हैं या स्कूटर परचेज करना चाहते हैं तो आप अनिमेष सुजुकी VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं।